मरीज की पहचान से लेकर पॉजिटिव केस WHO की लिस्ट में जाने तक क्या क्या होता है, इस वीडियो में यही प्रोसेस डिस्कस करेंगे। कोरोना वायरस का टेस्ट IIT का एडमिशन टेस्ट जैसा होता है। कहने का मतलब है कि ये दो स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स और फाइनल। प्रीलिम्स में अंदाजा लगता है कि इन्फेक्शन हो सकता है, चांसेस हैं, और फाइनल टेस्ट में ये बात फाइनल हो जाती है कि ये कोरोना वायरस का ही इन्फेक्शन है। ये सब व्यवस्था करने वाली संस्था का नाम है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जैसे पूरे देश में एग्जाम सेंटर्स होते हैं, वैसे ही ICMR ने देश भर में टेस्ट लेबोरेटरीज सेट कर रखी है। प्रीलिम्स के लिए हैं 52 लेबोरेटरीज। ये लिस्ट आपको ICMR की वेबसाइट पर मिल जाएगी, किस स्टेट में है, किस शहर में है, कहाँ पे है। इन लैब्स में क्या और कैसे टेस्ट होता है ये बाद में देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि ये टेस्ट देने किसे मिलता है, मतलब इस टेस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ICMR ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रीलिम्स देने मिलेगा जिनके पास तीन चीजें हैं। क्या हैं वो तीन चीजें? पहली, जिनके लक्षण ठीक नहीं हैं और जो इन्फेक्शन वाले देशों से लौटे हैं। लक्षण जैसे कि बुखार, गले में खराश, नाक बहना, और इन्फेक्शन वाले देश मतलब चाइना, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ईरान, इटली वगैरह। दूसरी चीज, जिनका पॉजिटिव केस वाले लोगों से करीबी संपर्क रहा है, ऐसे लोगों को भी कंसिडर किया जाएगा। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है कि वो सारे लोग जिनमें लक्षण भले ही ना दिख रहे हों, लेकिन जो वुहान, चीन और डायमंड प्रिंसेस शिप जैसी जगहों से लौटे हैं और उन्हें क्वारंटीन किया गया है, तो इन लोगों को प्रीलिम्स के लिए कंसीडर किया जाएगा और इनके सैंपल्स 52 में से सबसे नजदीकी जो लैब है वहां भेज दिए जाएंगे। कैसे सैंपल्स? नाक और गले से निकाले सैंपल्स। खकारना और छिनकना नहीं पड़ता, वो चम्मच टाइप की कुछ चीज डालकर निकाल लेते हैं। ये रेस्पिरेटरी डिजीज है ना, इसलिए इन्फेक्शन नाक और गले में जरूर होता है। लैब में इन सैंपल्स का PCR टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, पॉलीमरीज चेन रिएक्शन टेस्ट। अगर वायरस के DNA या RNA से मिलता जुलता जीन सैंपल में मौजूद है तो टेस्ट पॉजिटिव मानकर आगे बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इस टेस्ट की एक्यूरेसी सही नहीं होती, इसलिए पॉजिटिव वाले सैंपल को फाइनल टेस्ट के लिए आगे बढ़ाया जाता है। फाइनल टेस्ट होता है पुणे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। यहाँ सैंपल की तुलना वुहान वाले वायरस यानी SARS-CoV-2 के जीन सीक्वेंस से की जाती है। ये एकदम पक्का वाला टेस्ट होता है। NIV की ये लैब WHO की फीचर लिस्ट में शामिल है। जब NIV की लैब किसी टेस्ट को पॉजिटिव डिक्लेयर कर देती है, तब हेल्थ मिनिस्ट्री इसकी घोषणा करती है और तभी ये केस WHO की लिस्ट में ऐड होते हैं। पॉलीमरीज चेन रिएक्शन और एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस की पहचान को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, अगर आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर तो हमारे चैनल को